नमस्ते, मैं श्री आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द मल्टी श्री में। आज हम लोग एक ट्रेडिशनल सा पीठा बनाएंगे। वो ओडिशा का ट्रेडिशनल पीठा है जिसका नाम है एंडूरी पीठा। उसको एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन में बनाया जाता है और उस ओकेजन का नाम है प्रथमाष्टमी। ये हल्दी के पत्ते के साथ तैयार किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का रेसिपी जिसका नाम है एंडूरी पीठा। अगर मेरे रेसिपीज आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग बनाएंगे एंडूरी पिठा और जिसे हल्दी पत्र पिठा भी बोला जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरह से आराम से ये निकल आ रहे हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, अंदर से बिल्कुल जूसी दिख रहे हैं। इसी तरह के स्पॉन्जी जूसी एंडूरी पिठा के लिए आज हम लोग देखेंगे इसका रेसिपी। यहाँ पे देखिए मैंने एक बैटर तैयार किया है जिसमें 1:1 रेशियो में चावल और उड़द दाल लिए गए हैं, जिसको मैंने रात भर चावल और उड़द दाल को भिगोकर इसका एक पेस्ट बनाया है। इसको पेस्ट बनाने के बाद हमें फर्मेंट होने के लिए एटलीस्ट इसको 8 से 10 घंटे के लिए हमें छोड़ना होता है जिससे ये फर्मेंट हो जाए। तो ये देखिए फर्मेंट होने के बाद देखिए कितना फूल गया है, फ्लफी हो गया है। इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। ये अगर अच्छे से फर्मेंट होगा तभी ये सॉफ्ट बनेगा। तो सॉफ्ट एंडूरी पिठा के लिए इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। तो देखिए इसका कंसिस्टेंसी कैसा है। जब हम इसे पीस रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरह का बैटर बनाना है। तो हमारा बैटर तो रेडी है, तो चलिए अब हम स्टफिंग्स की ओर चलते हैं। पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होते ही इसमें हम लेंगे 1 कप जितना गुड़। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गुड़ से एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिक सा फ्लेवर आता है, तो मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि गुड़ जल्दी से पिघल जाए। तो गुड़ को आप जब भी पिघला रहे हैं तो इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। देखिए गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेशली ग्रेट किया हुआ एक नारियल। फिर इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब गुड़ में नारियल को मिलाएंगे तो नारियल से थोड़ा पानी निकलेगा और इसी पानी से हमें ये जो स्टफिंग से इसका मॉइस्चर मिलेगा। हमें इसे थोड़ी देर के लिए भुनना है। बस ध्यान में रखिए भूनते वक्त हमें मिक्सचर को एकदम से ड्राई नहीं बनाना है, बस नारियल से थोड़ा सा नटी स्मेल आए तब तक हमें इसे भुनना है और मॉइस्चर रहने देना है इस स्टफिंग्स में। अगर आपने कभी नारियल का लड्डू गुड़ के साथ बनाया है तो उसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें इस मिक्सचर में भी रखना है, तो तब तक हमें इसे भुनना पड़ेगा। अब हम एंडूरी पिठा तैयार करेंगे जिसके लिए अब हम मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे और जो है हल्दी का पत्ता, जिसके वजह से इसको हल्दी पत्र पिठा भी बोला जाता है। देखिए मैंने इसको किस तरह से काट लिया है, इसी तरह से आप भी काट लीजिए। पहले हम पत्ते पे जो बैटर है उसको इस तरह से स्प्रेड करेंगे। देखिए मैं किस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ, इसमें तरह से डाल के हमें इसको स्प्रेड करना है। हमें पूरे पत्ते पे इसको स्प्रेड नहीं करना है, बस बीच का जो हिस्सा है उसी में इसको हमें लगाना पड़ेगा। फिर हमने नारियल का जो स्टफिंग्स बनाया है उसको बैटर के बीच में इस तरह से लगाएंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से सावधानी से इसको फोल्ड कर देना है। इसी तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसी प्रोसेस से हमें सारे एंडूरी पिठा को बनाना पड़ेगा। हमने सारे एंडूरी पिठा रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे स्टीम करना है, तो स्टीमर में मैंने पानी लिया हुआ है और स्टीम आने तक इसको उबाला है। अब जो मोल्ड किए हुए सारे पिठा है उसको हम धीरे धीरे करके इस तरह से रखेंगे इसमें।
जितना आपके स्टीमर में जितना क्वांटिटी का पीठा आएगा उसी क्वांटिटी में आप इसे रख के स्टीम कीजिए, एक के ऊपर एक मत रखिए। ये पीठा बहुत ही हेल्दी होता है, आप देख ही सकते हैं इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है और हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो आप चीनी अवॉइड भी कर सकते हैं गुड़ डाल के। ये स्टीम से तैयार हो रहा है तो बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है। आपके पास अगर स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं। पहले के ज़माने में तो इसको मिट्टी के हांडी में स्टीम किया जाता था और उससे बहुत ही एक ट्रेडिशनल सा खुशबू आता है, अच्छा लगता है, मिट्टी का खुशबू आता है वहाँ से। लेकिन मेरे पास तो वो हांडी अभी नहीं है तो इसीलिए मैं स्टीमर में ही इसे स्टीम कर रही हूँ। अब हम इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो 15 मिनट के बाद अब हम देखेंगे, देखिए एकदम से धुआं निकल रहा है, तो पीठा एकदम तैयार हो गए हैं, स्टीम हो गए हैं अच्छी तरह से। तो एक हल्दी के पत्ते का एक यूनिक सा खुशबू होता है वो भी आ रहा है, एकदम फ्लेवरफुल। बस अब इसे हम ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे।